मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तूफान आंधियों में तू नहीं तो मुझको थामा, तूफान कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुधामा, ये कर्म भी तेरा मुझ पर सरेआम हो रहा है, ये कर्म भी तेरा मुझ पर सरेआम हो रहा तो जैसा कि आपने इस भजन को सुना, और आज का विषय हमारा यही विषय है कि हम इस भजन पर साधारणतः अच्छे से कैसे बजा सकते हैं, कौन कौन से बोल यदि हम लगाते हैं तो ये बोल इस भजन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, या जनरली हम जो सुनते हैं उसमें कौन कौन से बोल यदि आप लगाते हैं तो अच्छे से बजते हैं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा भजन है, और वेरी सिंपलेस्ट भजन है, इसमें कोई बहुत बड़ी तड़क भड़क वाली बात नहीं है। ये हो सकता है कि यदि हम इसमें और स्पीड चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो जो लगने वाले बोल हैं हम सीधे उनकी बात करते हैं, कुछ उठान हैं कुछ बोल हैं। उठानों में आपको दो प्रकार की उठाने में आपको बताऊँगा इसके अंदर, और कुछ दो प्रकार की बोल बताऊँगा। ये दो बोल कैसे बजते हैं वो भी समझाऊँगा। पहले आते हैं उठान पर। उठान दो प्रकार की है, मैं पहली सबसे बढ़िया सबसे शानदार उठान आपको बताता हूँ। उठान है ताता तिटता तिटता ता। इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है कि तिट थोड़ा फास्ट बजता है, और जितनी बार भी ता बजता है उन सब पे लेफ्ट की थाप लगती है। ताता तिटता तिटता ता। तो धीरे धीरे समझते हैं। ता मतलब ना, और तिट मतलब तिट, जैसे हम हमेशा बजाते हैं तिट। तो देखते हैं ता ता तिट ता तिट ता ता। फिर से समझते हैं ता ता तिट ता तिट ता ता, ता ता तिट ता तिट ता ता। तो ये हुआ पहली उठान ता ता तिटता तिटता ता। अभी इन्हें हम रैंडमली कभी भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हमें उठानों को यूज़ कहाँ करना चाहिए ये भी समझने वाली बात है। जैसे मान लो भजन की शुरुआत हुई, या मैंने जो भजन गाया उसकी शुरुआत हुई मान लीजिए, तो सम से पहले उसे हमें लगाना है। अब सम कहाँ है वो भी हमें जानना चाहिए। तो पहले उठान लगाएंगे फिर बोल बजाएंगे, हमेशा यही हमारा एक मैटर होना चाहिए कि हम कहीं भी बजाने की शुरुआत करने वाले हैं तो सबसे पहले उठान लगेगी, उसके बाद तो आपको मैं बताता हूँ कि उठान कैसे लगती है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा अभी मेरा इट मीन्स जो सबसे शुरू का जो वर्ड मे, वहाँ से सम है, तो पूरा एक आवर्तन निकल देने के बाद हमें उसके पहले उठान लगानी है। उठान को ख़त्म सम पे करना, और सम से हमारा नेक्स्ट बोल स्टार्ट होगा। वो बोल कौन सा है? सबसे साधारण सबसे शानदार सबसे बढ़िया बोल है धिट नाना तिट धाना। ये बोल ऐसा यूनिवर्सल बोल है कि आप मैक्सिमम कहरवे की बहुत सारे भजनों में आसानी से लगा सकते हैं, और ये बहुत सुंदर लगता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ वो कैसे बजता है धिट नाना तिट धाना।
धिट, अभी तिट के साथ घे बजाएंगे तो धिट बने, कैसे, धी और फिर ट नीचे की तीन उंगली से, धिट ना ना, नाना के दूसरे ना पे था, फिर से देखते हैं, धी ट ना ना, ती ट धा ना, धी ट ना ना, ती ट धा ना, धी ट ना ना, ती ट धा ना, ती ट ना ना, ती ट धा ना। ठीक है, तो ये बेस बोल है पूरे भजन का, मतलब पूरे भजन में लगभग ये बोल चलेगा, पर हम बोल कहाँ बदलेंगे वो हम बताते हैं आपको। एक बीच की एक उठान और समझते हैं हम, इसको रैंडमली आगे पीछे कभी भी लगा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ये उठान है आठ मात्रा की उठान, तिट ताता तिट धा धा। ठीक है, देखते कैसे बजती है, तीट ताता तीट ताता तीट धा धा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक्चुअली ये जो ढोलक है एक हमारे बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर हैं, जो आसाम में रहते हैं, धीरज कुमार तिवारी जी, ये ढोलक उन्होंने परचेस करी है और उन्होंने बोला था कि आप मेरे लिए इस ढोलक पर एक वीडियो बनाइएगा, तो मैं आज वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशली ये बनाया है, उनकी ढोलक बताने के लिए, और आप सबको नए बोल दिए। तो ये बहुत सरल उठान है, तिट ताता तिट धा। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे पास मेरे बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स मुझसे डायरेक्टली जुड़ते हैं, मुझसे घर बैठे ही तबला ढोलक पखावज सीखते हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप मैसेज डाल के सारी प्रक्रियाएँ जान सकते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप क्षेत्र में अच्छा तबला ढोलक पखावज अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, आप मुझसे कहिए, मैं आपको आपके घर तक बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का तबला ढोलक पखावज, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट मांगे मैं भिजवा सकता हूँ। तो आते हैं हमारी दूसरी उठान पर, जो है तिट ताता तिट धा। इसका एक स्पेशल इसके अंदर पैटर्न है, वो समझना बहुत जरूरी है। जितनी बार भी ता शब्द आते हैं सब पे थाप लगती है, देखिए। तो ये दूसरी उठान थी। अब हमें जब अंतरा आता है, इस भजन के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, यदि आप जब अंतरा आता है तब यदि आप ये बोल बजाते हैं धा धा तिट ताता धिट, ये जो बोल है, जो दूसरा बोल है हमारा धा धा तिट ताता धिट, इस बोल को लगाते हैं तो ये बोल बहुत खूबसूरती से अंतरे की खूबसूरती बढ़ाता है। अभी आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी बोल बदलते हैं तब आपको उठान जरूर लगाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हम बजा रहे हैं धिट नाना धिट धाना धिट नाना धिट धाना ताता धिट ताता धिट धाधा 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 धिट ताता धिट, तो ऐसा करके आपको अंतर के अंदर ये बोल लगाना चाहिए। तो कैसे बजता है ये बोल देखते हैं। धा धा तीट, जो चौथा नंबर का जो अक्षर है ट, उसके ऊपर लेफ्ट की थाप लगी, फिर से देखते हैं। धा धा ना और घे मिलकर धा बना था। धा धा ती ता ता धी ट, धा धा ती ता ता धी ट, धा धा ती ता ता धी ट।
तो ये था हमारा दूसरा बोल जो हमें भजन में अंतरे में लगाना है। बोल डिफरेंस करने से वादन में खूबसूरती आती है, तो ये जरूर आप ध्यान दें कि आप एक दो बोलों का यूज करते हैं तो आपका जो सुनने वाले जो कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा प्लेयर बैठा है, तो इसके लिए आपको आपके वादन में वेरिएशंस रखना चाहिए। वेरिएशंस आते हैं आपके बजाने में तो बहुत वादन खूबसूरती से लगता है। तो ये कुछ जो चीज़ें मैंने आज आपको समझाई, जिसमें आपको दो उठान दो बोल मैंने समझाए, साधारणतः इस भजन के आप किसी भी अच्छे भजन पर इसको लगा सकते हैं। ये भजन के लिए स्पेशल ये बोल आपको बहुत अच्छे यूजेबल है, बहुत अच्छे कारगर होंगे। और आप यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं आपको कैसा लगा। यदि आपको और भी अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे वीडियोस की आवश्यकता होती है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब बटन दबा लेना चाहिए, साथ ही ऑल वीडियोस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना चाहिए बेल आइकन दबा के, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं मैं लगभग डेली या फिर एक दो दिन के बाद में चढ़ाता रहता हूँ, वो आपकी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे और जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।